नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 14 के लेटेस्ट एपिसोड में कोलकाता की सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति दागा जब हॉट सीट पर बैठी तब उनकी समझदारी देख हर कोई उनका कायल हो गया। खुद शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने भी उनकी खूब तारीफ की। तमिलनाडु में जन्मी श्रुति पिछले 4 साल से शादी के बाद से ही कोलकाता में रह रही है। बुधवार को जब वह बिग बी के सामने सवालों का जवाब देने बैठी तो 50 लाख रुपए जीती। एक तरफ बिग बी के सवाल, दूसरी तरफ श्रुति दागा ने सही सही जवाब दिया। खेल एकदम शानदार तरीके से चल रहा था, तभी 50 लाख रुपए का एक सवाल अमिताभ बच्चन ने ऐसा पूछा कि श्रुति थोड़ी देर रुक गई। उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया, लेकिन उनको सवाल के जवाब को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था। उनके पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची हुई थी। हालांकि श्रुति ने हार नहीं मानी, रिस्क लिया और सवाल का सही जवाब देकर 50 लाख रुपए जीत लिया। सवाल, किस संस्था ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन भी करता है? इसके 4 ऑप्शन है, ए भारतीय विज्ञान संस्थान, बी भारतीय औद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, डी APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। श्रुति ने इस सवाल के लिए अपनी बची हुई लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। उन्होंने वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल किया, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे अपने कॉलेज के एक जूनियर को कॉल किया, लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिल पाई। बिग बी ने उन्हें शो छोड़ने की भी सलाह दी, लेकिन श्रुति गेम आगे खेलना चाहती थी। उन्होंने रिस्क लेते हुए गेम को आगे ले गई और जवाब बी यानी भारतीय औद्योगिकी संस्थान खड़गपुर इसका सही जवाब दिया। जैसे ही बिग बी ने कहा कि उनका जवाब बिल्कुल सही है तो श्रुति खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को श्रुति से 75 लाख रुपए के लिए सवाल पूछा गया। जवाब को लेकर वो श्योर नहीं थी तो उन्होंने खेल क्विट करने का फैसला किया और 50 लाख रुपए लेकर घर लौटी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।